भजनलाल सरकार ने फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली पुलिस के मामला दर्ज करने के खिलाफ अशोक गहलोत शासन में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ दावा वापस लेने का फैसला किया। इसके जरिए राज्य सरकार ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास दर्ज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के FIR को संरक्षण दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ लंबित दावा पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। प्रार्थना पत्र में ये कहा गया है कि प्रकरण में कोई मैरिट नहीं है, इस कारण राज्य सरकार इसे वापस लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के अनुसार इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या वो मामले को जारी रखना चाहती है, जिस पर जवाब के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से समय मांगा था। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि रिकॉर्ड और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि मेरिट पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने लायक नहीं है, इस कारण इसे आगे बढ़ाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इन परिस्थितियों में न्याय हित में सुप्रीम कोर्ट का समय बचाने के लिए मामला वापस लेने का फैसला किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के फोन टैपिंग मामले में 25 मार्च 2021 को गजेंद्र सिंह शेखावत की FIR दर्ज की। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 120B, भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 26 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 72 और 72A के तहत आरोप लगाए गए। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया, जिसमें दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। दावे में कहा था कि इस फोन टैपिंग प्रकरण में केवल राजस्थान राज्य को ही FIR दर्ज का अधिकार है, दिल्ली पुलिस को जांच करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी लंबित है। शेखावत की ओर से दर्ज कराई गई FIR को रद्द कराने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा ने भी याचिका दायर करके दिल्ली हाई कोर्ट में FIR को चुनौती दी। दोनों याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व सरकार में फोन टैपिंग का मामला काफ़ी चर्चा में रहा था, और पूर्व में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी ये फोन टैपिंग का मामला काफ़ी चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी रहे लोकेश शर्मा ने कई खुलासे इस मामले में किए हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक ऑडियो भी वायरल किया गया था, जिसमें काफ़ी खुलासे होने की बात कही गई है। अब इन सभी तथ्यों की जाँच करने की बात की गई है, और मांग भी लगातार की जा रही है कि इसकी प्रमुख रूप से जांच की जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ फैसला आता है, और क्या इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।